कि जिस समय माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए और अशोक वाटिका में लंकिनी इत्यादि माता सीता को परेशान करने के लिए आती हैं, लेकिन लंका के अंदर अशोक वाटिका में एक बड़ा सुंदर सा वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हैं और आंखों में आंसू बह रहे हैं कि मेरे पति नहीं आए। पता नहीं राम जी को अभी पता चला है कि नहीं कि मैं कहां हूं, रावण ने मेरा हरण किया है, मेरे नाथ अभी तक आए क्यों नहीं। तो उस समय हनुमान जी महाराज पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और माता सीता का विरह वेदना देख करके हनुमान जी को बड़ा कष्ट हो रहा है। माँ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। तो हनुमान जी महाराज पहले तो जो निशानी राम जी ने दी थी उस निशानी को नीचे फेंकते हैं और फिर हनुमान जी खुद कूद जाते हैं और जैसे ही कूदे सीता माता डर गई। अब हनुमान जी राम कहानी सुना रहे हैं, माँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा परिचय है और क्या कहानी सुना रहे हैं। बड़ा प्यारा भाव, बोले हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। मात जानकी कथा सुनो श्री राम की, मात जानकी कथा सुनो श्री राम की। बिना राम के बिना प्रभु के काया कुछ ना काम की, मात जानकी कथा सुनो सुनाता हूँ। जैसे ही देखा कोई राम कहानी गा रहा है, माता सीता इधर उधर देख रही है और कितना प्यारा भाव गा रहे हनुमान जी। हे मात जानकी, हे मात जानकी कथा सुनो श्री राम की। खुश रहो और ऐसे नाम रोशन करते रहो। थैंक यू। हनुमान जी कह रहे हैं, माँ
क्या? माँ कौशल्या की जाए दशरथ नंदन कहलाए। पाताल लोक तक आवाज गई, इतना भारी शंखनाद उस धनुष का हुआ। आगे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, माता सीता अवध में रहने लगी, राम जी को एक रोज राजा बनाया जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन उसी समय वनवास हुआ। दिल धड़के वनवास हुआ, राम
आंसू आते हैं। ये असली गाने की जो दो लाइन है मेरा मन है गाने का, आप भी गाइए। कहा और राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, कहत सुनते आवे, कहत सुनते आवे अखियों में पानी, कहानी सुनो रे, और जो निशानी प्रभु श्री राम ने दी थी अपनी जिभ्या से निकाली और माँ को कह रहे, माँ श्री राम ने दई अंगूठी में खास निशानी लाया, हरे राम बैसने पे, हरे राम बैसने पे कृपा भगवान की।